दोस्तों माल्टा के नामचीन होटल में अवेलेबल हुई है बहुत सारी जॉब्स, और जिस होटल के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इस होटल के जरिए ना सिर्फ आप माल्टा में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो है अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुक या फिर शेफ या फिर किचन हेल्पर वगैरह की जॉब माल्टा में मिल जाए दोस्तों, बहुत आसानी से मिल जाए, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस होटल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि इन जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली है, आपको कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सारी की सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। आज के इस वीडियो में माल्टा के होटल जॉब्स की बात होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि माल्टा जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, छोटा सा आइलैंड है दोस्तों, समुद्र से घिरा हुआ है। यहां पर जो है आपको सालों भर जो है मतलब गर्मी के टाइम मोस्टली जो है टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमेशा जो है टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं, क्रूजिंग वगैरह होती है, बोटिंग वगैरह होती है, मतलब एक हैपनिंग सा प्लेस है। और इसीलिए जो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स की डिमांड रहती है, बनी रहती है, और इन जॉब्स में मोस्ट ऑफ द डिमांड होती है दोस्तों होटल जॉब्स की। जी हाँ दोस्तों, होटल से रिलेटेड अगर आपको कोई काम आता है, होटल से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वालिफिकेशंस ले रखी है, अगर हॉस्पिटैलिटी में अगर आपने डिप्लोमा वगैरह ले रखा है, सर्टिफिकेट वगैरह ले रखा है दोस्तों, तो आपको आसानी से माल्टा में जॉब मिल सकती है। ना सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट्स में अगर आप काम करना चाहते हो दोस्तों या फिर काम कर रखा है, तो आप जो है माल्टा में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बहुत आसानी से वर्क परमिट भी मिलेगा दोस्तों, उसके बाद आप अपनी कंट्री में वर्क वीजा लेकर के माल्टा पहुंच सकते हो, और लाख, डेढ़ लाख, दो लाख रुपए आप महीने के कमा सकते हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। यहां पर आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स मिलेंगे दोस्तों। अगर आप कुक हो तो कुक की जॉब्स मिलेंगी आपको, साथ ही क्रू मेंबर की जॉब मिलेगी दोस्तों, वेटर की जॉब मिलेगी, बरिस्टा की जॉब मिलेगी, बारटेंडर की जॉब मिलेगी, आपको जो है मतलब होटल और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितनी जॉब्स होती है दोस्तों सभी की सभी मिलेंगी। आपको हाउसकीपर, क्लीनर, लॉन्ड्री अटेंडेंट जैसी जॉब्स भी मिल सकती हैं दोस्तों। आप इन जॉब्स के लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 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 बात करें इस होटल में, जिस होटल की बात मैं करने वाला हूं दोस्तों आज, इस होटल में पर्टिकुलरली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो है दोस्तों जॉब से रिलेटेड पिछला कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एक से दो साल का, या फिर किसी किसी जॉब में आपको तीन साल का भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है दोस्तों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप फ्रेशर हैं और आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है माल्टा में जॉब्स अवेलेबल ना हो फ्रेशर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी कंट्रीज में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसी होटल में, तो आप जो है दूसरी कंट्रीज में जॉब सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई फ्रेशर की जॉब निकल आए, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो करिए, बैठिए और थोड़ा टाइम दीजिए इस वेबसाइट पे, आपको जो है ज़रूर फ्रेशर की भी जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आपने हॉस्पिटैलिटी या फिर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रखा है, या फिर आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह ले रखा है दोस्तों, तो आपको आसानी से यहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं। फिर भले ही लॉन्ड्री अटेंडेंट की जॉब हो, क्लीनर की जॉब हो, हाउसकीपर की जॉब हो दोस्तों, फिर वेटर के जॉब, आप आसानी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब और ज्यादा वेट ना करते हुए दोस्तों आपको ले ही चलता हूं इस होटल की वेबसाइट पे, और आपको बताता हूं कि कैसे आपको जो है इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जिस होटल की बात मैं कर रहा हूँ, इस होटल का नाम है वेस्टिन होटल। जी हाँ दोस्तों, ये जो है माल्टा का वन ऑफ द टॉप मोस्ट होटल है, और ये जो है मैरियट होटल के अंडर आता है। अगर आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सिंपली आपको वेस्टिन होटल माल्टा करियर्स जो है सर्च कर लेना है गूगल पे, और आप देख सकते हैं बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला लिंक जो था वो ऑफिशियल लिंक था, उसके बाद अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जो अवेलेबल लिंक मतलब जॉब्स हैं दोस्तों, वहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सिंपली जो है पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है, जहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टिन मैरियट करियर्स, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं नया पेज खुल चुका है दोस्तों। नीचे जाएंगे, फाइंड जॉब्स एट वेस्टर्न होटल्स एंड रिजॉर्ट्स पे हमें क्लिक कर लेना है, वेस्टिन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जो हमारे सामने जो है करियर पेज जो है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा, ग्लोबल करियर पेज जो है, जहाँ से हम लोकेशन सिलेक्ट कर करके जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लीनर की जॉब के लिए ओपन मतलब सर्च हुआ है ऑलरेडी, तो हमें जो है यहाँ से जो है ये क्लीनर वाला टैग हटा देना है, और फिर जो है जॉब सर्च करना है। जितनी भी जॉब्स माल्टा में अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी जो है आपके सामने आ जाएंगी। हमें सिंपली सर्च पे क्लिक करना है, आप देख सकते हो। सर्च पे क्लिक करने के बाद सर्विस एक्सप्रेस अटेंडेंट्स, स्टीवर्ड, सुपरवाइजर, जनरल मेंटेनेंस, डेमी शेफ दे पार्टी, कॉमी शेफ, शेफ दे पार्टी, फ्रंट ऑफिस एजेंट, अकाउंट्स इंटर्न, रिजर्वेशन एजेंट और लॉन्ड्री अटेंडेंट की जॉब निकली दोस्तों। इनमें से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें तीन तीन साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, सिंपली राइट साइड में आपको जो है ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर रीड मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है।
आप रीड मोर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको जो है सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स जो है जॉब की वो देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए आपको दोस्तों, और साथ ही आप देख सकते हो कि कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कि मैरियट इंटरनेशनल इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर यहाँ पर लिख करके आ रहा है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, यानी कि धर्म, जाति और रंग पे आपको जो है भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ पर सबको मौका मिलता है। अगर आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको कुछ करना नहीं है। राइट साइड में आप देख सकते हो ऊपर जो है अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, उस अप्लाई वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, उस नए पेज पे जाकर जो है हमें लॉग इन कर लेना है दोस्तों अपने ईमेल आईडी से, और उसके बाद जो है आगे प्रोसेस को फॉलो करना है। ईमेल आईडी से लॉग इन करके जैसे ही आप आगे आओगे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह भर लेना है दोस्तों। ईमेल आईडी को री एंटर कर लेना है, यहाँ पर फिर फोन नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो फोन नंबर में आप जो है कंट्री कोड सर्च कर सकते हो, इंडिया का कंट्री कोड सर्च करके अपना इंडिया का नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास इंडिया का नंबर है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों मैंने इंडिया का कोड सर्च किया और यहाँ पर वो अवेलेबल हो चुका है। उसके बाद कंट्री रीजन में आपको जो है इंडिया सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस भर लेना है अपना, मतलब जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है उन सारी चीज़ों का, उन सभी सवालों का जवाब देते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना है, यहाँ पर आपको कवर लेटर, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जल्दी से एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनवा लीजिए ताकि आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सको। सिंपली सारी डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आसानी से जो है दोस्तों आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है उन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक सीवी और कवर लेटर बनवाइए दोस्तों और इन जॉब्स के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना चालू कर दीजिए। देखा दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी इस होटल के अंडर काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, आपके पास अलग अलग कंट्रीज़ के ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास जॉब्स के अलग अलग ऑप्शन है। तो बस मैं तो आपको इतना ही कहने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आप होटल से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या फिर अगर आपने होटल से रिलेटेड कोई काम किया हुआ है तो इस होटल में एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिए, अप्लाई कीजिए दोस्तों और बहुत आसानी से आपको मिल सकती है जॉब। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस होटल में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, माल्टा में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होगी दोस्तों एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर की। जल्दी से एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर बनवाइए ताकि जो है आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके, फिर भले ही वो वेस्टर्न होटल हो, माल्टा का हिल्टन होटल हो, आपको डॉलमेंट होटल हो, कोई सा भी होटल हो दोस्तों। अगर आप होटल से रिलेटेड सीवी बनाते हैं, यूरोपास सीवी बनाते हैं, तो आप अलग अलग होटल्स में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वेट करना छोड़िए, जल्दी से सीवी और कवर लेटर बनाइए और इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।